आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड ना हमें क्वेश्चन पूछता है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आएगा एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की अगर हम एयर के बजाय कोई और गैस भर दे जो एयर से ज़्यादा हैवी है ठीक है तो हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में चेंज निकालना है तो उसकी फॉर्मूला को देखते हैं तो अब हम देखते हैं कि क्लोज ऑर्गन पाइप में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है ठीक है क्लोज ऑर्गन ऑर्गन पाइप ठीक है इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर न्यू नॉट है न्यू नॉट उसका फॉर्मूला क्या होता है वी बाय फोर टाइम्स ऑफ एल वी क्या है हमारा v है हमारा वेलोसिटी ऑफ साउंड है ना इन द मीडियम जो अभी हमारा एयर है ठीक है और एल क्या हुआ हमारा एल हुआ लेंथ ऑफ पाइप, ठीक है? तो ये हमें दे रखा है ठीक है अब V का भी हमें फॉर्मूला पता है वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होती है मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एनी गैस इज इक्वल टू V इज इक्वल टू रूट ऑफ गामा कैपिटल p बाय रो ठीक है अब इसमें हम देखें गामा क्या है ठीक है गामा है हमारा कांस्टेंट ठीक है पी क्या है हमारा प्रेशर ठीक है प्रेशर ऑफ गैस रो क्या है हमारा रो है हमारा डेंसिटी ऑफ गैस ठीक है तो अब अगर हम इस इक्वेशन को ऊपर वाली इक्वेशन में डाले तो हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या आएगी न्यू नॉट इज इक्वल टू तो वन बाय फोर टाइम्स ऑफ एल इंटू रूट ऑफ गामा पी बाय रो हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है ठीक है तो अब हम देखते हैं कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी न्यू नोट में क्या चेंज आएगा अगर हमने एयर की जगह एक हेवियर गैस भर दी ठीक है अब हेवियर गैस का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। हैंवियर गैस हैवियर गैस मींस मीन्स कि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है ठीक है रो इज ग्रेटर ठीक है रो इज ग्रेटर मतलब अगर हम बोले कि हमारे पास दो डेंसिटीज है ठीक है एक है रो ए जो हमारी एयर की डेंसिटी है और एक और हम लेते हैं रो एक्स ठीक है जो हमारी गैस की डेंसिटी है हमें क्या बोला है गैस की डेंसिटी ज़्यादा है ठीक है हेवियर गैस मतलब होता है डेंसिटी ऑफ गैस इज हेवियर ठीक है तब तो हम इस इक्वेशन को देखते हैं इस इक्वेशन को ठीक है ये क्या हमें क्या बताती है ये हमें बताती है कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है अगर हमारा एल और पी कांस्टेंट है गामा भी कांस्टेंट है एल और पी भी कांस्टेंट है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ रो ठीक है इस केस में अगर हम जो हम करंट केस दे रखा है उसमें अगर हम देखें हमने ऑर्गन पाइप की लेंथ से कोई चेंज नहीं किया ठीक है और प्रेशर की भी कोई बात नहीं तो है तो प्रेशर भी सेम है ठीक है अभी सिर्फ क्या चेंज हुआ है गैस की प्रॉपर्टी ठीक है गैस की क्या प्रॉपर्टी चेंज हो गई उसकी डेंसिटी ठीक है हमने गैस ही चेंज कर दी तो उससे क्या हुआ हमारे पास रिलेशन है न्यू नॉट इज प्रपोर्शनल टू वन बाय रो ठीक है तो अब अगर हम इसको यूज करेंगे हम क्या बोल सकते हैं कि अगर रो हमारा बड़ा है रो इज ग्रेटर है ना रो इज ग्रेटर मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज लेस है ना इनवर्स प्रपोर्शन तो यही होता है ना और इस केस में हमने कैसे भरा है मतलब हमारा रोक है बड़ा है तो इससे हम क्या बोल सकते हैं फंडामेंटल न्यू विल क्या होगा उसको वो कम हो जाएगा है ना न्यू नॉटविल्स टू ट्वेल्व से लेके नीट आई आई टी ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड कर व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर